स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर वन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। और इक्वेशन है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3x + 5। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसके टू सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे बेटा हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 × 1 + 5 यानी कि 3 + 5 यानी कि क्या होगा यहाँ से 8 होगा। और हम x की वैल्यू अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5 = 11 हुआ। हम x की वैल्यू अगर यहाँ से 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 × 3 + 5, तो यहाँ पे 9 + 5 14 होगा। हम x की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 3 × 4 + 5 12 + 5 यानी कि 17 होगा। तो इस टाइप से हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर इसका होगा 3rd, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका आप करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो है दिया हुआ है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इक्वेशन। फर्स्ट दिया हुआ है कि पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ से इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाई इजिकल टू हमारा 9 - πx होगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इजिकल टू बेटा 9 - π होगा। हम x की वैल्यू अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो y इजिकल टू 9 - 2π होगा। अगर हम यहाँ से x इजिकल टू 3 लेते हैं तो y इजिकल टू 9 - 3π होगा। हम यहाँ से अगर x इजिकल टू 4 लेते हैं तो y इजिकल टू 9 - 4π होगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, द फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 9 - 2π, ठीक है, 3 9 - 3π, 4 9 - 4π। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी हुई है कि x - 2y = 4, और इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, 0 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS देख लेते हैं। LHS जो है वो RHS के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो x - 2y हमें LHS में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0, 2 y की वैल्यू 2, यहाँ से माइनस 4 आया, लेकिन RHS में कितना है, 4 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो 0, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस टाइप से आप इन्हें सभी को करेंगे इसके पार्ट को। इसका हम एक फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। दिया हुआ बेटा √2 और 4√2। ठीक है, तो LHS हम ले लेते हैं। LHS में हमें गिवन क्या है कि x - 2π दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, तो √2 - 2 × 4√2, तो √2 - 8√2 - 7√2। तो LHS जो है बेटा वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू इसमें बतानी है। x = 2 दिया हुआ है, y = 1 दिया हुआ है, और इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = k। तो 2, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 × 2 = 4 + 3, तो k = हमारा यहाँ से कितना होगा, 7 होगा। ठीक है,